हेलो जी, हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं? तो आप लोग उम्मीद करते हैं सभी अच्छे। नकल कर रहे हो मत करो। हाँ, सो भाई आज है धनतेरस और आज है 10 नवंबर। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ गड्डी लेके और गाड़ी हो रही है की अपनी, मतलब पता नहीं कितने दिन बाद निकाली है भाई आज मैंने ये, क्यों इसकी कोई जरूरत तो थी नहीं अपने को अभी तक। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको अपनी को साफ कर लेते, फिर सोचा सर्विस स्टेशन पे लेके चलते हैं। तो आज तो वहाँ भीड़ मिलने वाली है तो वहाँ तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, तो फिर क्यों ना कि अपन खुद ही इसको साफ कर लेते। तो अपन इसको अपने प्लॉट पे लेके जा रहे हैं, तो वहां खड़ी करके मस्त तरीके से गाने फाने बजा के और फिर बढ़िया इसको धोएंगे मांजेंगे बढ़िया, क्यों काफी दिन हो गए इसको। ये देखो मीत में यहाँ पे दही फैला दिया था और भाई इसकी पूरी कंडीशन दिखाऊं ना तो पूरी ऐसी हो रखी, पास सूरज देव तो हल्के निकल रहे, थोड़ी थोड़ी ठंड हो रखी। तो इसको करने वाला है अपन अभी साफ बढ़िया तरीके से। के लिए लेके आता हूँ शैम्पू। तो भाई अपनी गाड़ी की सफाई शुरू कर दी अपन ने। और के नाम तेरा? पवन। पवन की तो आवाज ही ना निकल रही। पवन आज के है के आज छुट्टी है ना आज की? किस चीज की छुट्टी है? दीपावली की। तो अपन को एक घंटा सवा घंटा लगने वाला है इसमें, और वैसे भी 2-3 घंटे वहां इंतजार करना पड़ता, तो इससे बढ़िया है अपन अपनी को घर पे ही साफ कर लेते हैं। मतलब जहां से एक साइड से साफ कर देता हूँ दूसरी साइड से रेत झाड़ता हूँ। ये लोग है बेटा, ये भाई अपन ने निकाल दिए पायदान, कितने गंदे हो रहे ना, भयंकर वाले गंदे हो रहे, क्योंकि पता नहीं कितने महीने बाद धो रहा हूँ मैं। निकाली भी वैसे मैंने ये कम से कम नहीं तो 1 महीने बाद है, तो अब धुलाई इसकी देख लो कितने दिन बाद हो रही है। पायदान यहाँ सुखा दिया, एक यहाँ सुखा दिया और एक यहाँ सुखा दिया कट्ठे में। और भाई मौसम हो रहा खराब, हवा चल रही तगड़ी वाली और धूप निकल नहीं रही। और मैं जिस दिन गाड़ी धोता हूँ ना भाई उस दिन या मौसम तो खराब होता ही होता है, 10 में से कम से कम 7 बार होता है, या तो कॉन्सिडेंस ऐसा है गाड़ी धोता हूँ और मौसम भाई थोड़ा बहुत खराब रहता है, बारिश नहीं होती, लेकिन उस दिन हो जाती है। तो ये बच्चों की लगी मेरे पास भी, तुम अपना अपना एक एक करके नाम बताओ। आपका? अंजलि। आपका? पली। पवन। पल्लवी। फाइटर है कहीं? हाँ। किसको मारा इसने? आयुष को। ओहो, ये कौन है आयुष? आयुष की आंटी के चरा। इतने बड़े को पीट दिया इसने? हाँ। और भाई यार क्या बात है, कमाल कर दिया भाई। तो अपना काम दे, काम पे ध्यान देते, बच्चों को तमाशा लग रहा है यहाँ। लो जी भाई अपनी गड्डी होगी एकदम चमचमाट मस्त वाली। ये तो बस निशान ही अलग है, ये तो पेंट ही उतर गया यहाँ से, तो वो ड्रम व्रम पड़ गया था। ये भी छोटे मोटे निशान तो गाड़ी पे मिलेंगे आपको। मीत का फोन आ गया, पापा कहाँ आओ, मैं मार्केट लेके आऊंगा, वैसे तो उसके माता निकल रही है भाई, पर चलो दिवाली का त्योहार है तो भाई उसको घुमा के तो लेके जाऊंगा मार्केट में। मीत गेट ना खोला क्यों? आजा अंदर आजा, दोनों साइड गाड़ी आ गई भाई, जल्दी आजा। ओ, कुर्सी तो हटवा दो आगा थे यार, तेने तो माता देखी इतनी खतरनाक निकल रही है ना। आ गए ना, फोन करती माँ, सफाई हो रही है और मैं वहां अभी अपनी गाड़ी भी साफ करके आया था और अंदर से उस घर को भी साफ करके आया था। लो जी भाई आप हो गए नहा धोकर रेडी और अभी चल रहे हैं बाजार में, मार्केट मतलब सामान लेने दिवाली का, कुछ बर्तन वर्तन लेके आना है आज धनतेरस है, तो अपन नहा धोकर अब रेडी हो गए, डीजल लेके आना है। ये देखो भाई 2-2 सवारी मेरे इंतजार करते हुए। भाई साहब क्या हाल है? ये कत्ते से दाना दी लगती है, उसकी वापसी लेगा
सीधे निकलंग बाजार में तार पार तार पार कहाँ जाओ पारम पार लड्डू और लेना नींबू का पेड़ है, उसके पीछे नींबू का पेड़ है, ये भी नींबू, ये देसी नींबू है ना, और भाई ये बील पत्थर लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, आ जाओ खा लो। रवनक तो है भाई, अब नहीं तो बाद में रवनक तो होनी है, आज नहीं तो एक साल बाद रवनक तो होनी है इत्थे। मैंने तो दुखो रो है मेरे कहीं ने राम राम ना ली भाई रितु की राम राम ना ली आज कोई ने तो रितु को होगा दुख। मैं तो कह रहा हूँ भट्टी में पढ़न दे ऐसा भाई, जो राम का नाम ले बहुत प्यार से और जो ना ले हमने डोल भजवा दी भाई। यो तो पहली थी शायद। तो चलिए दोस्तों आपको घुमाते हैं धनतेरस पे हमारे यहाँ का मार्केट। बाबू जी नमस्कार, आओगी वो अपना आप ले आऊंगी, ले आएगी जब मिल जाएगी। मैंने दो ये पॉप क्या होते हैं, इनको छोटे छोटे इसमें पटाखे होते हैं जो नीचे डालने को होते हैं, एक ये माचिस ले लिए मैंने, और ये देखो दीवा कितना प्यारा लग रहा है। और अब चलते घर, लाइट चलेगी। बारिश आ गई थी आज, मैंने बताया था आपको गाड़ी साफ की थी तो बारिश आ गई।